राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की है, उसमें आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा अन्याय है। वो कहते हैं कि भारत में कानून का राज है, पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलता है, लेकिन ना तो जिस तरीके का सिस्टम अडॉप्ट किया गया, इसमें अडॉप्ट करने वालों को, जैसे कहते हैं ना कि लोक राज लोक लाज से चलता है, आप लोग इसको देखोगे तो इसमें लोक लाज नाम की कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों में नहीं मिलेगी। क्योंकि राहुल गांधी जी का जो सारा सिस्टम शुरू हुआ, जिसकी वजह से सदस्यता रद्द की गई, वो 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी जी ने कोलार में चुनावी सभा की थी, तो उसमें भाषण था इनका। और 16 अप्रैल को आप ये देखिए, इनकी मनसा, इनकी इंटेंशन, इनका राजनीतिक द्वेष किस तरीके से झलकता है कि भाषण दिया कोलार में और 13 अप्रैल को, 16 अप्रैल 2019 को भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी, पूर्णेश मोदी गुजरात से हैं, उन्होंने सूरत में शिकायत करी। अब आगे खुद का देखना ड्रामा। 7 मार्च 2022 को, यानी कि लगभग 3 वर्ष के बाद, शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में स्टे मांग लिया, खुद नहीं लोअर कोर्ट में कंप्लेंट करी और खुद नहीं हाई कोर्ट में इस केस पे स्टे ले लिया। और 7 फरवरी 2023 को जब राहुल जी ने मोदी अडवाणी के संबंधों को लोकसभा में पूछा, आपको याद होगा कि 20,000 करोड़ रुपए की जो सेल्स कंपनी हैं उनका मालिक कौन है, यही तो राहुल जी ने पूछा था। तो जैसे 7 फरवरी 2023 को राहुल जी ने लोकसभा में ये जोरदार भाषण दिया और उसकी चारों तरफ देश में चर्चा चली कि वे अडानी जी की जो सेल्स कंपनी है, क्या उनका क्या संबंध है मोदी जी का। अब 7 फरवरी को वह भाषण 9 दिन के बाद शिकायतकर्ता गुजरात हाई कोर्ट से अपना स्टे वापस ले लेते हैं, वही लोअर कोर्ट में गए, उन्होंने हाई कोर्ट में स्टे लिया, उन्होंने ही जैसे ही राहुल जी ने अपना भाषण दिया पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट का उनका भाषण जो है वो बहुत चला देश में, देश और दुनिया में, क्योंकि अडानी जी के खिलाफ इंडेंसबर्ग की जो रिपोर्ट आई, इंडेंसबर्ग के लोगों ने कह दिया था भी अगर हमारी रिपोर्ट ये खिलाफ है, खराब है, तो अडानी जी किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। अडानी जी न्यायालय में नहीं गए, उल्टा राहुल जी ने जो भाषण दिया और देश की जनता के सामने प्रश्न पूछा कि हम राहुल जी केवल मोदी जी से पूछना चाहता हूं मैं कि उनके अडानी जी से क्या संबंध है। 16 फरवरी को वापिस ले लिया, 23 फरवरी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू हुई, 9 दिन का 7-7 दिन का फर्क है सारा। जैसे ट्रायल शुरू हुई 23 फरवरी को, 23 मार्च, 1 महीने से भी कम, राहुल जी को आनंद फानम में माननीय अदालत ने दोषी ठहरा दिया। चलो अदालत का मामला है, अदालत का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके का सारा ये एपिसोड आया है, अदालत के मामले को छोड़ करके, अदालत फैसला करे वो अदालत की मर्जी है, अदालत को कोई चुनौती या चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन अदालत के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है अपर कोर्ट में, वो पार्टी फैसला करेगी। 24 मार्च को, कभी मैं 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, पार्लियामेंट के रूल एंड प्रोसीजर होते हैं, रूल एंड प्रोसीजर में ये कहा गया है कोई भी एमपी यदि जब उसकी मेंबरशिप चली जाती है या चुनाव हार जाता है या डीबार हो जाता है कोई कारण हो, उनको मिनिमम 2 महीने का नोटिस दिया जाता है। और नोटिस कब दिया जाता है, ये नहीं कि 23 तारीख को मेंबरशिप खत्म हुई, 24 तारीख को राहुल जी की सदस्यता रद्द करके उनके घर भेज दिया, और सदस्यता रद्द करते ही मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। आप एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ, क्या इसमें जिस तरीके से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने या सेक्रेटरी जनरल लोकसभा ने या स्पीकर साहब ने
इस रास्ता जो इख्तियार किया है मैं इसका इसलिए विरोध करता हूँ, मैं नहीं करता, पूरा हिसार जिला कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता और आम नागरिक इसलिए विरोध करता है कि ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी थी स्पीकर साहब ने, जब लोअर कोर्ट ने एक महीने तक उनकी सजा सस्पेंड कर दी, तो एक महीने के बाद अगर राहुल जी की आगे सजा सस्पेंड ना होती या राहुल जी आगे अपील में ना जाते, बेल ना कराते, अपील की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोर्ट ने उनकी सजा सुनाई तो उन्होंने साथ में लिख दिया कि 30 दिन का हम इनको समय देते हैं। तो आनन फानन में सदस्यता भी रद्द कर दी, कोठी खाली कराने के नोटिस भी दे दिया, जबकि नहीं देना चाहिए था। तो इन सभी मामलों को लेकर के राहुल जी ने जो ये प्रश्न पूछे हैं, दीर्घकालीन होते हैं, उत्तरकालीन होते हैं, ये सारे के सारे मैं आपके सामने ये देना चाहूँगा। आप मीडिया के साथी, तो मीडिया के मैं विशेष तौर से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और यूट्यूबर साथियों से एक निवेदन करना चाहूँगा। ये तो मैं समझता हूँ कि कई बार कई तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के या कांग्रेस पार्टी ने, आप ये देखिए, आप किस किस को निकालोगे, देश का लेकर आओगे, राहुल जी की तो सदस्यता, ये फोटो आप देखिए किन के हैं, ये भी राहुल जी बना के ले आए हैं क्या, ले तो तू दुर्देख जी टीवी था जी न्यूज है, इसमें दिखवा लो। तो यानी कि आप, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसको मैं संज्ञा देता हूँ अघोषित आपातकाल, यानी कि चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे माननीय लालू जी और उनका परिवार हो, चाहे एनसीपी के नेता हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी के दल के लोग हों, मतलब जो भी एक बार आवाज उठाता है, सच्चाई की सामने लाने का प्रयास करता है, तो उनके घर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तत्काल भेज देते। तो मेरा आपसे कहना यह है, और भारतीय जनता पार्टी से मैं लोगों से निवेदन करूंगा, जहाँ तक भी हमारी आवाज जाए जिस भी माध्यम से, क्या इस तरह के प्रश्न पूछना एक संसद सदस्य का गलत है पार्लियामेंट में? अगर पार्लियामेंट के अंदर संसद सदस्य, कोई भी माननीय सदस्य इस तरह के प्रश्न नहीं करेगा, तो प्रजातंत्र प्रणाली का स्वरूप तो बिगड़ जाएगा, फिर तानाशाही में बदल जाएगा। तो राहुल जी ने तो केवल एक बात पूछी थी उस दिन कि मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, जो ये सेल्स कंपनी है 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं, और मोदी जी देश की जनता को ये बताए कि आपके और अडानी जी के क्या संबंध हैं, तो इसमें क्या गलत है भाई? अगर कोई पार्लियामेंट का सदस्य पर्सन भी नहीं पूछ सकता, तो फिर पार्लियामेंट में जाने का, जनता ने भेजने का क्या लाभ है? इस तरह के पार्लियामेंट के सदस्य तो नहीं होने चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ने भेजे हैं हरियाणा से 10। मेरे हिसाब से गलती से किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो बात अलग है, कम से कम अपने हित की बात जो सदस्य पार्लियामेंट में ना बोल सका हो, या पूरे टाइम मैडम स्पीच भी ना करवा सके हो, ऐसे सदस्यों की तो सदस्यता खत्म करे, को बात रहा लगे। लेकिन राहुल जी के ऊपर केवल द्वेष, बदले की भावना, क्योंकि केंद्र सरकार भयभीत है, राहुल जी ने 3,500 किलोमीटर की जो यात्रा, पैदल यात्रा की, उसका जो लोगों में स्वागत हुआ और उसका जो लाभ हुआ, या उसकी जो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं, कई साथी अलग अलग, वैसे आप तो उन घरानों से नहीं हो लेकिन आपका कहीं ना कहीं संबंध है, तो जब प्रजातंत्र में कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी पार्टी या नेता की या जनता की आवाज़ दबाना चाहे किन्हीं कारणों से, नगमा निगार नहीं, बड़े घर मालिक, तब प्रजातंत्र में एक सिस्टम है कि नेता
अपनी लाठी और लंगोटी लेकर के लाट अपने निकल जाए। तो राहुल जी निकल के 3,500 किलोमीटर में लाखों लाख लोग मिले और राहुल जी की बात को लोगों ने पसंद भी किया, जिसका नतीजा आप लोगों को याद होगा, जब हरियाणा की धरा के ऊपर राहुल जी सुबह 5:30 बजे आए, मतलब देश की आज़ादी के बाद ये पहला मौका है 5:30 बजे सुबह 50,000 से बड़ा अजूमा इकट्ठा हुआ। और इससे राहुल जी के प्रति द्वेष की भावना लगती है, यानी राहुल जी क्या हो, जैसे ही हरियाणा में यात्रा शुरू की 9 बजे, बड़े विद्वान हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री, अंतर्यामी हैं, बड़े भारी ज्योतिषी हैं, उन्होंने राहुल जी को चिट्ठी लिख दी कि राहुल जी यात्रा रोक दो, कोरोना आने वाला है। आज तक आया कोरोना? तो राहुल जी से भय मान गई भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार उसके सहयोगी दल, और हरियाणा प्रदेश में तो गठबंधन सरकार का सामना कुछ नहीं रह रहा मेरे ख्याल में। तो जैसे ही 6 जनवरी की रैली हुई ना पानीपत में, तो उस वक्त खड़गे साहब का भाषण मुझे आज भी याद है। खड़गे साहब ने कहा कि पानीपत की 3 लड़ाई, चौथी लड़ाई पहले दिल्ली जीतेंगे फिर हरियाणा जीतेंगे, राजनीतिक लड़ाई थी और लाखों लोग वहाँ इकट्ठे हुए। उसके बाद पूरे देश में केंद्र की सरकार ने कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं एनआई, पता नहीं कितनी एजेंसी बाहर तैयार कर दी है। तो आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे ये कहने का था, भाई इन बातों में अगर ये गलत हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा प्रदेश में उनके सहयोगियों को खुली चुनौती देता हूँ कि इसको पढ़ें, अगर ये गलत है जवाब दें। हम ओपन प्लेटफार्म पे भी, पब्लिक प्लेटफार्म पे भी, सार्वजनिक स्थान पे भी हम इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जिस तरीके का ये इवेंट्स हुए, यानी कि वही आदमी कंप्लेंट करने वाला कौन, गुजरात का पुनेश मोदी, मोदियों पे झगड़ा था जो भाषण था ना वहाँ, राहुल जी ने तो यही कहा था, जिगने ये के था क्या, मेहुल चौकसी और नीरू मोदी और एक और मोदी, एक और मोदी, इसमें क्या बात होगी, ये मेरे समझ में नहीं बात आई। आप मैं किसी जात कर गोत का नाम नहीं लेता, जब हंसी मजाक होते हैं आपस में, बोला तेरा घर घर दो तुम्हारा घर हूँ भी नहीं अच्छा, सारे कहते हम लोग मुकदमा में चले जाओ, डेफामेशन होगी। इस तरह की डेफामेशन अगर राजनीतिक लोगों के खिलाफ डरने लगेंगी, तो मैं एक ही प्रश्न मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल करने के बाद महात्मा गांधी जी के खिलाफ कौन सी है भोपाल से एमपी है ना प्रज्ञा ठाकुर ने इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार के लोगों ने जनता से माफी मांगी, महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए? क्या खुद समय प्रधानमंत्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के पार्लियामेंट में ये नहीं कहा कि राहुल जी जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेते हुए संकोच क्यों करते हैं? अरे भाई, नेहरू जी का राजीव गांधी सरनेम कैसे लिख सकते, राहुल जी बेटे हैं नरेंद्र अपना राजीव जी, ठीक है राजीव जी का सरनेम आएगा ना, राजीव या राहुल, ये तो अपने सरनेम गांधी लिख दिया, नेहरू का नाम कहाँ आएगा? इंदिरा जी से ऊपर उनके पिताजी थे नेहरू, वो गांधी जी के साथ मैरिड होगी तो मैरिज के बाद फिर जो लड़की है उसका सरनेम हस्बैंड का लिखा जाता है ना, ये तो प्रथा भी उल्टी चलाना चाहे हैं, ये देश में और मरवाएंगे, एक लठोर बाजे का काम कहा था है कि नहीं बात। तो यानी कि भाई लोगों ने इनको वोट दे करके, यानी कि नेक्स्ट सेल में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुमत का नाजायज फायदा किसी भी दल ने जब पार्लियामेंट या असेंबली में उठाता है तो वो दल निरंकुश हो जाता है, और जब देश में प्रजातंत्र सिस्टम है उसमें निरंकुशता आ जाती है तो फिर आप देखो देश विनाश की तरफ चला जाता है। आज यही एक कारण है कि आपको मैं अगर हरियाणा प्रदेश की चर्चा करूँ या देश की चर्चा करूँ, यानी कि कितने ही ऐसे मौके हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जो हमारे बच्चे खड़े हैं, जैसे लाखों लाखों बच्चे
हरियाणा प्रदेश से विदेश चले गए रोजगार ना मिलने की वजह से। अगर मैं ये बात कह दूं हरियाणा प्रदेश के सरकार गठबंधन सरकार की नाकामयाबी है, ये फिर भी डेफामेशन में जाने के काम करेंगे। ये तो विशा काम कर दिए इन्हें तो, कि जो बोलेगा उसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, कांग्रेस पार्टी जम के देश और प्रदेश की गठबंधन सरकार के खिलाफ बोलेगी, जितने जी करें मुकदमे दर्ज करो। अब आपने कोई प्रश्न पूछना था बता दो, ये कॉपी अगर लिख लियो तो ठीक है, नहीं था मैं दे दूंगा, हाँ सबको दे देंगे। ये बड़ा गजब का है, मतलब इसमें सीक्वेंस देखना, 13 अप्रैल को भाषण कर्नाटक में, 16 अप्रैल को शिकायत सूरत गुजरात में, 7 मार्च को स्टे ले लिया, खुद नहीं, खुद ही शिकायत करता है और खुद ही स्टे ले रहा है और खुद ही स्टे वेकेट करने चला गया। यानी कि इससे मैलाफाइड इंटेंशन सिद्ध होती है कि नहीं होती, ये बात आज का हमारा था कि राहुल जी के खिलाफ एक प्रतिशोध के चलते इस तरह का कदम उठाया गया। हिसार जिला कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा। अभी आपने जमकर बोलने का आंदोलन का किया, तो आगे प्रोग्राम क्या है पार्टी का इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर हमारे वक्तन विवक्तन, अब जैसे देश में 35 जगहों पे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उसके बाद ब्लॉक सत्र पर, जिला सत्र पर, हम सत्याग्रह कहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं, सत्याग्रह करेंगे हम। महात्मा गांधी प्रोग्राम आइए आ गया, तो आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी होगी 1 अप्रैल को होगी जिला लेवल की, फिर 15 से फिर शुरू हो जाएंगे सम्मेलन और ये, तो चलता रहेगा ये।